दोस्तों मुझसे पूछा था मैं कौन सा वाईफाई यूज़ करता हूँ, कौन सा ब्रॉडबैंड यूज़ करता हूँ, तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैं यहाँ पे GTPL का फाइबर ब्रॉडबैंड यूज़ कर रहा हूँ। अभी से नहीं, पिछले 4 साल से यूज़ कर रहा हूँ, बढ़िया सर्विस मिलती है। लेकिन इसमें बहुत सारी अच्छी चीज़ें इसके बारे में मुझे डिस्कस करना था, तो एक लॉन्ग टर्म रिव्यू यहाँ पे होने वाला है। क्या क्या प्रॉब्लम्स यहाँ पे आती है, कैसे दोस्तों आपको कंप्लेन करनी है, क्या स्पीड मुझे मिलती है, क्या है पूरी की पूरी दोस्तों कंपनी की स्टोरी, उसके बारे में बात करेंगे और आपको गाइड देंगे कौन सा ब्रॉडबैंड आपके लिए बेस्ट रहने वाला है। तो ये होगा एक लॉन्ग टर्म रिव्यू GTPL फाइबर ब्रॉडबैंड का, जो फिलहाल गुजरात के साथ साथ पूरे भारत में काम करता है, बेस्ट चीप प्लान आपको यहां पे दे रहा है। लेकिन सारी चीजें समझेंगे इस वीडियो के अंदर, प्लीज बने रहे इस वीडियो के साथ अंत तक। पे हूं आपका दोस्त नील शेखावत और आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्नो नील फ्रेंड्स। फ्रेंड जैसे कि मुझे मेरे 500 सब्सक्राइबर हमेशा जब भी मैं संडे लाइव स्ट्रीम में आता हूँ, सर आप अपना जो ब्रॉडबैंड आप यूज करते हैं पिछले कुछ सालों से, मैं 4 साल से जब से यूट्यूब पे आऊँ मैंने यहाँ पे एक ही यहाँ पे ब्रॉडबैंड कनेक्शन लिया है, वो है दोस्तों GTPL का। पहले स्टार्टिंग में ये दोस्तों मेरा 10 Mbps का प्लान हुआ करता था, DSL लाइन इसको आप बोल सकते हैं। पहले कॉपर हुआ करती थी, मैं आज से 10-12 साल पहले जब मैं BSL का सबसे पहले मेरा ब्रॉडबैंड था, जहाँ पे सिर्फ 2 GB मुझे डेटा मिलता था पूरे महीने के लिए, ऑलमोस्ट 350 रुपये मुझे देना पड़ता था। उसमें मुझे एक लैंडलाइन कनेक्शन मिलता था जहाँ पे BSL टू BSL फ्री कॉल्स और 2 GB डेटा मुझे पूरे महीने के लिए मिलता था। 2 GB स्पीड आती थी कुछ 3 या 4 Mbps की स्पीड, या 3-4 Mbps की स्पीड और पूरे महीने के लिए मुझे 350 रुपये देने पड़ते थे। ये था DSL लाइंस, सॉरी कॉपर लाइनिंग्स, ठीक है, वो टेलीफोन के साथ साथ होती थी। इसमें इतनी प्रॉब्लम होती थी, मतलब पूरे महीने में 10 दिन तो मतलब कुछ ना कुछ पंगा, और भी सरकारी कंपनी है, कभी क्या ये टावर खोद रहे हैं, आज ये बाहर लगा रहे हैं, ये लगा रहे हैं, ये तोड़ रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, उनके बंदे वो लगे रहते हैं एक्सटेंशन में कुछ ना कुछ करने, और किसी ना किसी का जोड़ देते, मतलब फोन किसी को लगाओगे किसी को लग जाएगा, ये बहुत सारे नाटक होते हैं दोस्तों कॉपर वायरिंग के अंदर। तो पंगा होता था उसके बाद में, फिर टिकोना पे आया, टिकोना दोस्तों एक नई टेक्नोलॉजी लेके आके, मतलब मेरे एरिया में एक हाइटेड बिल्डिंग के ऊपर उन्होंने टावर लगा दिया और मेरे घर पे छतरी लगा दी, डिवाइस लगा दिया, वो डिवाइस उसकी तरफ फेस करता था, वहां से मुझे स्पीड मिलती थी। 10 Mbps का प्लान मैंने लिया था, लेकिन उसमें बहुत पंगा था, मतलब बंदर बंदर उसको हिला देते थे तो मेरी स्पीड कम हो जाती, फिर उस बंदे को बुलाओ, फिर वो 2 दिन बाद आएगा, फिर वो लगाएगा, मतलब सर्विस कुछ खास मुझे नहीं लगी। तो भी मैंने 2-3 साल चलाया, उसके बाद दोस्तों मैं आया GTPL पे। GTPL दोस्तों गुजरात की छोटी कंपनी थी जिसने यहाँ पे GTPL, पहले सिटी केबल हुआ करता दोस्तों, ये DTH बोलते हैं ना यहाँ पे, केबल टीवी, इनका केबल टीवी का काम था। फिर धीरे 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 कंपनी बूम करी, पूरे गुजरात में नहीं आज पूरे भारत में ऑलमोस्ट टॉप मोस्ट सिटीज के अंदर GTPL अपनी सर्विस देता है। DTH कनेक्शन तो दोस्तों आपको देता है, उसके साथ साथ फाइबर दोस्तों सर्विस, फाइबर ब्रॉडबैंड सर्विस वो भी चीप रेट में आपको मिलती है। पहले मैं इनकी वेबसाइट पर आपको ले जाकर दिखाता हूँ कौन कौन से प्लान्स है, और उसके साथ हमारा एक्सपीरियंस भी आपको मैं शेयर करता रहूंगा कि मेरा एक्सपीरियंस GTPL के साथ कैसा रहा है, क्यों मैं GTPL के साथ फिलहाल अभी भी यहाँ पे, और क्या प्रॉब्लम दोस्तों मुझे फेस करनी पड़ी। स्क्रीन पे दोस्तों देख सकते हैं GTPL की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे मैंने जो प्लान फिलहाल ले रखा है दोस्तों, मेरा जो प्लान है 50 Mbps का प्लान आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैंने ऑलमोस्ट 10,000 से थोड़ा ज्यादा, 10,600 रुपये समथिंग दिया, यहाँ पे देखेंगे 12 महीने का प्लान दोस्तों 50 Mbps का ऑलमोस्ट 5,000 रुपये समथिंग है, तो वैसा ही कुछ है। 24 महीने का मेरा प्लान है, महीने की कैलकुलेशन मेरी 424 रुपये समथिंग पड़ती है, 424 रुपये में 50 Mbps अनलिमिटेड, ये इकलौती कंपनी दोस्तों मुझे लगती है, क्योंकि फिलहाल बाकी कंपनी जियो, एयरटेल, बाकी सारी कंपनीज BSL वगैरह कैपिंग देती है, डेटा कैपिंग 3.3 TB वगैरह सब कुछ महीने, उतना मेरा काम नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा डेटा चाहिए, तो ये मुझे ट्रूली अनलिमिटेड है, कोई कैपिंग वहाँ पे नहीं है। यहाँ पे अलग अलग प्लान है, 40 Mbps है, 250, 60, 80, 100 Mbps के फिलहाल यहाँ पे प्लान चल रहे हैं। आने वाले टाइम में GTPL का दावा है कि हम 300 Mbps और 1 GBPS के प्लान यहाँ पे लेके आने वाले, देखते हैं इनकी, तो अच्छे अच्छे प्लान देखने को मिल जाते हैं। सबसे बड़ी चीज दोस्तों, अगर नया कनेक्शन आप लेना चाहते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पे फिलहाल ऑफर चलती है, फ्री में आपको राउटर मिल रहा है, यस सिंगल बैंड राउटर फिलहाल मिलता है आपको, फ्री राउटर है, फ्री इंस्टॉलेशन चार्जेस है, कोई इंस्टॉलेशन चार्जेस आपको नहीं, बाकी कंपनीज आपको 1,000-1,500 रुपये इंस्टॉलेशन चार्जेस लेती है, सिक्योरिटी डिपॉजिट जो रिफंडेबल होती है मांगी जाती है 2,000 रुपये, वो दोस्तों यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब जीरो कुछ भी आपको यहाँ पे नहीं देना, ये तीनों चीज आपको मिलेगी, और अनलिमिटेड देख सकते हैं, सुपर सेव हाई स्पीड अनलिमिटेड प्लान दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे, आप यहाँ पे ले सकते हैं। अब दोस्तों बताऊं कि मेरा एक्सपीरियंस दोस्तों कैसा, और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ब्रॉडबैंड की अगर कोई कंप्लेन आपकी हो तो आप यहाँ पे इनके एपिलेट से नोडल को सबको कंप्लेन कर सकते हैं, यस इन लोगों को कंप्लेन करेंगे आपको सोल्यूशन यहाँ पे मिलने वाला है। अब GTPL की बात करें दोस्तों, मैंने सबसे पहले इनका 10 Mbps का प्लान लिया था, और पहले टोटली अनलिमिटेड नहीं था वो प्लान, उसके अंदर मुझे कुछ 1,000 GB समथिंग डेटा मिलता, लेकिन 1,000 GB तो मैं 5-10 दिन में खत्म कर देता था, पूरा महीना फिर मैं ऐसे बैठा रहता था। फिर धीरे धीरे पता चला कि इनके अनलिमिटेड प्लान भी आते हैं, तो मैंने इनका कुछ आई थिंक 30 Mbps का प्लान लिया जो टोटली अनलिमिटेड था। उसके बाद दोस्तों इनका फाइबर कनेक्शन आते आते 1 साल लग गया, फाइबर आते ही मैंने सबसे पहले मेरे एरिया में मैंने लिया फाइबर कनेक्शन, दोस्तों इनका बोला कि फाइबर मुझे दे दो, क्योंकि फाइबर में स्टेबल स्पीड मिलती है, जो DSL लाइन होती है ना पुरानी वाली दोस्तों, उसके अंदर स्टेबल स्पीड नहीं आती, पतला सा वायर होता है लेकिन वो ऐसे फ्लक्चुएट करता है, 30 Mbps की स्पीड होगी तो 5-10 Mbps से लेके 30-25 तो आएगा ही नहीं, 25 Mbps और 5 Mbps
फ्लक्चुएट करेगा, मतलब स्टेबल स्पीड कभी आपको नहीं मिलती, लेकिन फाइबर में स्टेबल स्पीड मिलती है आपको। 50 का प्लान है मेरा, 45 Mbps की मुझे स्पीड मिलती है, एग्जैक्टली ऐसे चलती है। अपलोड स्पीड मुझे वैसे ही आधी मिलती है, जितनी भी आपकी स्पीड होगी प्लान होगा उसकी आधी आपको अपलोड स्पीड मिलती है। 50 का प्लान है तो आपको 22-23-25 Mbps की अपलोड स्पीड मिलेगी, तो मुझे भी वैसा मिलता है, लेकिन स्पीड स्टेबल है। रात को यूज करो, दिन में यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, स्टेबल स्पीड मिलती है। इसलिए मैं फाइबर ब्रॉडबैंड मैंने यहाँ पे चूज किया, और पिछले 3 साल से ऑलमोस्ट मैं फाइबर ब्रॉडबैंड यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन हाँ, आफ्टर सेल सर्विस फिलहाल दोस्तों इनकी ढीली है, लेकिन ज्यादातर प्रॉब्लम नहीं आती, मतलब एक आध महीने के अंदर कभी कभी कुछ शटडाउन होता है, कुछ प्रॉब्लम होती है, कुछ टेक्निकल इश्यू चलती रहती है, तो मैं कंप्लेन करता हूँ, कंप्लेन मिल जाती है, बंदा आके कर जाता है। और 3-4 बार मेरे साथ ऐसा, क्योंकि मैं एक जागरूक नागरिक हूँ, मुझे शेर के मुंह से हाथ डाल के सर्विस लेना आता, तो मैं डायरेक्टली इनकी नोडल और एपिलेट को दोस्तों मेल करता हूँ, और हायर अथॉरिटी जब आप प्रेशर देते हैं तो जल्दी से जल्दी आपका काम हो जाता है। लेकिन ये होना चाहिए कि कंप्लेन हायर अथॉरिटी तक जाने से पहले ही आपकी कंप्लेन का सोल्यूशन हो जाए, तो कंपनी नंबर वन बोली जाती है। मतलब टॉप मैनेजमेंट से बात करने की नौबत ही नहीं आनी चाहिए, लेकिन फिलहाल इनकी आफ्टर सेल सर्विस मुझे थोड़ा ऐसे लगता है कि इंप्रूवमेंट इनको चाहिए, क्योंकि मुझे तो सर्विस मिल जाती है, मैं इनसे ले लेता हूँ सर्विस, लेकिन ज्यादातर लोग मुझे कंप्लेन करते हैं कि सर GTPL की सर्विस नहीं मिल रही है, 2 दिन से बंद, 1 दिन से बंद है, इनकी आफ्टर सेल सर्विस थर्ड क्लास है, न जाने क्या। लेकिन इनको अपनी आफ्टर सेल सर्विस को सुधारना चाहिए, प्लान दे दिया, चीप दे दिया, अच्छा दे दिया, सब कुछ दे दिया, आफ्टर सेल सर्विस अगर अच्छी नहीं, बंदा अगर 2 दिन से बैठा है, उसको अगर इंटरनेट नहीं मिल रहा, तो वो प्रॉब्लम मैं समझ सकता हूँ। तो आफ्टर सेल सर्विस इनको सुधारनी चाहिए। तो फिलहाल दोस्तों जैसे कि मैंने बताया कि मैं फिलहाल यहाँ पे 3 साल से इनका फाइबर कनेक्शन यूज़ कर रहा हूँ, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं, टोटली अनलिमिटेड, ऑलमोस्ट 450 रुपये समथिंग मुझे मंथली यहाँ पे पड़ता है, 50 Mbps का प्लान है। डाउनलोड स्पीड मुझे मिलती है 40-45 Mbps के बीच में, मुझे फिक्स स्पीड होती है, और अपलोड स्पीड मुझे ऑलमोस्ट 22-25 Mbps के बीच में मिलती है, कभी भी कर लूँ, ट्रूली अनलिमिटेड। ये मुझे सबसे अच्छा लगता है जब मैं बोलता हूँ ट्रूली अनलिमिटेड, मतलब 50,000 GB भी कर लूँगा तो ये प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा मैं नहीं कर सकता जियो के साथ, ना एयरटेल के साथ, ना BSNL के साथ। ये कंपनी आपको 3.3 TB की कैपिंग लगा के देते हैं, मतलब 3,500 GB के अंदर आपका डेटा खत्म, आपकी स्पीड 1 Mbps होगी। यहाँ पे मेरी स्पीड जैसी है वैसी ही रहने वाली, मैं कुछ भी कितना भी डाउनलोड कर लूँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये कुछ इस तरह का दोस्तों एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर करना था, जहाँ पे मैंने आपको बताया कि ये GTPL की जो सर्विस है अच्छी, मुझे एक सिंगल बैंड राउटर मिला, हालांकि वो पीछे लगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो पीछे व्हाइट कलर का राउटर दिख रहा है ना आपको, ये मेरा सिंगल में राउटर है। और ये कैसे लगता है पहले मैं भी आपको बता दूं, एक छोटा सा वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा। जब मैंने ये कनेक्शन लिया था तो कंपनी किस तरह से, कंपनी के इंजीनियर मेरे घर पे आए, किस तरह से उन्होंने फाइबर लगाया, पहले ये वीडियो देख लो, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि कंपनी के इंजीनियर किस तरह की टेक्नोलॉजी यहाँ पे यूज करते हैं। आपने देखा कि किस तरह का फाइबर इंस्टॉलेशन होता है, ये वीडियो ऑलरेडी डेडिकेटेड बना चुका हूं, लेकिन मुझे आपको बताना था कि फाइबर कनेक्शन कैसे लगता है, कैसे इंस्टॉलेशन होता है। तो आपने देखा दोस्तों किस तरह से महीम आपके बाल से भी बहुत पतला फाइबर होता है, उसको दोस्तों दो फाइबर को जोड़ने के लिए किस तरह की मशीन इक्विपमेंट यूज किए जाते हैं, हाई एंड दर्जे की दोस्तों टेक्नोलॉजी यूज करते हैं लोग, उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे डेटा अच्छा खासा स्टेबल मिलता है। यस, अगर उसमें थोड़ी भी अगर प्रॉब्लम हुई दोस्तों आपको स्पीड उतनी नहीं मिलने वाली। तो ये सारी चीजें हाई एंड दोस्तों इंजीनियर्स होते हैं, एजुकेटेड, वो यहाँ पे करते हैं, जिस हिसाब से आपको अच्छी स्पीड यहाँ पे मिले। तो फिलहाल मुझे स्पीड के मामले में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंपनी फिलहाल दोस्तों ठीक ठाक सर्विस यहाँ पे दे रही है, ठीक ठाक से ज्यादा ही अच्छा मुझे मिल रहा है यहाँ पे। तो कुछ इस तरह से दोस्तों फाइबर ब्रॉडबैंड यहाँ पे काम करता है, मैं पिछले 3 साल से फाइबर ब्रॉडबैंड यूज कर रहा हूँ। डेफिनेटली दोस्तों अगर आप गुजरात से हैं तो आप GTPL के बारे में सोच सकते हैं, आफ्टर सेल सर्विस थोड़ी सी ऐसी, लेकिन उसके लिए आपको नोडल और एपिलेट को अप्रोच में रहना ही पड़ेगा, कभी कभी प्रॉब्लम होती है तो किस तरह से आपको मेल करना, उसके बारे में डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूँ, जाके जरूर देख लेना। तो दोस्तों आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके हैं, जो मुझसे पूछ रहे थे कि सर आपका एक लॉन्ग टर्म
भी बनाऊंगा। तो बात करूँ GTPL एज अ यूजर, फिलहाल मैं सेटिस्फाइड हूँ, अच्छी स्पीड मिलती है, मैं आराम से 2-3 लैपटॉप चला रहता हूँ, 3-4 मेरे मोबाइल चलते रहते, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आती बफरिंग वगैरह की। 50 MBPS मेरे लिए मोर देन इनफ है, प्लान फ्यूचर में 100 MBPS का, लेकिन फिलहाल 50 बहुत है, क्योंकि YouTube का काम होता है, ज़्यादा अपलोड करता हूँ, मक्खन की चीज़ चलता है, 2 मिनट में वीडियो मेरा अपलोड हो जाता है, 1 GB का वीडियो, इस 2 से 3 मिनट में 1 GB अपलोड हो जाता है, और क्या चाहिए। तो अच्छी स्पीड मिलती है, लो लेटेंसी रेट है, पिंग बहुत कम आता है, बढ़िया है, गेमिंग के लिए अच्छा है, सबके लिए अच्छा है, लेकिन गेमिंग के लिए जाएंगे तो 100 MBPS का प्लान लेना, 50 से काम नहीं चलेगा, कम से कम 100 MB का लेना। स्ट्रीमिंग वगैरह करते हैं, सब कुछ करते हैं, लाइव स्ट्रीम वगैरह आप, तो आप 100 MBPS का प्लान लेना, सस्ता ही प्लान है, 550 रुपये में आपको पर मंथली पड़ता है, आप ले सकते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे। दोस्तों GTPL से रिलेटेड अगर अभी भी कुछ डाउट हो तो नीचे कमेंट करके जो बताना फ्रेंड्स, और वीडियो को अच्छा लगा इन्फॉर्मेटिव लगाओ थम्स अप जोर दे देना, आपके भाई का चैनल है, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए सारे दोस्तों के साथ, डिफेंस चलेगा, पहली बार हमारे चैनल पे पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, चुलाल का लगा बटन है, इसको जो दबा देना, इसको दबाने से हमारी छोटी सी टेक्नो डील फैमिली के VIP मेंबर बन जाएंगे, इसके पास देखिएगा घंटी का बटन, उसको जो दबा देना, इसको दबाने से जब भी मैं एक नया वीडियो मेरे चैनल पे अपलोड करूंगा सबसे पहले आपकी फोन की घंटी बजेगी, आप देख सकेंगे मेरा नया ताजा वीडियो सबसे पहले। तो प्लीज भूले बिना इस घंटी के बटन को जो दबा देना। आज के लिए इतना, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई बड़ी अपडेट के साथ।